आज हम लोग इलेक्ट्रोकैटालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रश्न का जवाब देखेंगे, व्हाट इज ए कैटलिस्ट। तो स्कूल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? सक्रियण ऊर्जा को डिक्रीज करके, कम करके। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो बिना कैटलिस्ट के हो भी नहीं सकते। इस ग्राफ को देखो, इसमें ए और बी प्रतिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और दो ग्राफ तुमको दो इसमें दिख रहा होगा। एक यहाँ पर जो मेरी पेन घूम रही है वो क्या है कि विदाउट कैटलिस्ट है, इसमें तुम देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्यादा है, और दूसरे में कैटलिस्ट का प्रयोग किया गया तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम है। स्पष्ट है कि कैटलिस्ट का उपयोग करने से एक्टिवेशन एनर्जी घटती है और रिएक्शन फास्ट होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकैटलिस्ट? इलेक्ट्रोकैटलिस्ट नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उपयोग करते हैं किसी रिएक्शन को कराने में, उस समय जो इलेक्ट्रोड पर अगर हम लोग उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए अगर कोई कैटलिस्ट का काम का उपयोग करें तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकैटलिस्ट। ये स्पेसिफिक होते हैं और दिस फंक्शन एट इलेक्ट्रोड सरफेस, इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर में ये कार्य करते हैं। ये हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं जैसे प्लेटिनम सरफेस या नैनो पार्टिकल्स, होमोजीनियस भी हो सकते हैं जैसे कोटेशन कॉम्प्लेक्स या एंजाइम्स। इनका काम होता है कि ये लोग इलेक्ट्रोड और रिएक्टेंट के बीच में, इलेक्ट्रोड एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ छूट गया, एंड रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को मदद करता है और रिएक्शन होने में सुविधा होती है। ये एक एग्जांपल दिखाया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसका फ्यूल सेल में भी उपयोग होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एक उस रिएक्शन से एनोड पर होते हैं और दूसरी तरफ कैथोड पर भी रिएक्शन होते हैं। तो वाटर के एनालिसिस में कहता है कि दो हाफ रिएक्शन जो हैं, दीज टू रिएक्शन आर द ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन एट द एनोड। एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है और कैथोड पर क्या निकलता है? हाइड्रोजन। उसी को यहाँ पर दिखाया गया रिएक्शन से कि कैसे करके एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है और कैथोड पर हाइड्रोजन निकलता है। तीन प्रकार के इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल लिया गया है, एक में प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, एक एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और एक सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसे प्रोटॉन एक्सचेंज में देखो कि वाटर है तो ये ऑक्सीजन निकाला, चार हाइड्रोजन प्लस निकला और चार इलेक्ट्रॉन को निकला। इसमें तुम देखो कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन हम जानते हैं कि एनोड पर होता है। अगर हम लोग पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, उसको एल्कलाइन कर दें, तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। हाइड्रोक्सी लाइन ये चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में, और फिर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और अगर सॉलिड ऑक्साइड्स हैं तो ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, एनोड पर हमारा क्या निकलता है? ऑक्सीजन। निकलने के रिएक्शंस अलग अलग होते हैं अलग अलग माध्यम के कारण, पर दो बातें कॉमन है कि ऑक्सीजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन। कैथोड पर देखो क्या होता है। कैथोड पर जैसा कि हम जानते हैं कैथोड पर रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही तीनों के लिए यहाँ पर भी दिखाया गया है कि प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा और H2 बनाएगा,
अल्कलाइन अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो पानी रिएक्शन करता है इलेक्ट्रॉन से तो हाइड्रोजन बनता है और एच माइनस बनता है, और अगर सॉलिड ऑक्साइड है तो वाटर इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन बनाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि हाइड्रोजन बनती है, मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए रिडक्शन रिएक्शन। कुल मिलाकर के ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या होता है कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ और हाइड्रोजन गैस निकली और ऑक्सीजन गैस निकली। कहता है कि इन वाटर कैटलिस्ट, इन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो हमने अभी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस देखा है, इसमें कैटलिस्ट कहाँ पर आता है, कैटलिस्ट का रोल क्या है, मतलब इलेक्ट्रो कैटलिस्ट पर रहा है। तो कहता है कि वाटर रिडक्शन एट द कैथोड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड वाटर ऑक्सीडेशन एट द एनोड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन आर इन जनरल काइनेटिकली स्लजिश। यही इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में कहता है काइनेटिक रूप से स्लजिश है, मतलब स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, लीडिंग टू लो एनर्जी एफिशिएंसीज। ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, टाइम टेकिंग है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट हमको कम मिलता है। देयरफॉर इलेक्ट्रो कैटलिस्ट आर नेसेसरी एट द इलेक्ट्रोड्स टू स्पीड अप रिएक्शन काइनेटिक्स। यहीं पर एक इलेक्ट्रो कैटलिस्ट का उपयोग होता है रिएक्शन की गति को बढ़ा दे। अब हम लोग स्लाइड को देखते हैं। ये स्लाइड कहता है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रो कैटलिसिस। इलेक्ट्रो कैटलिसिस इज सिमिलर टू हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल तुम पढ़े हो गए, तेल से जो हम लोग वनस्पति डालडा बनाते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं ऑयल में, और कैटलिस्ट का काम करता है निकेल। निकेल जो सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, निकेल सॉलिड है, और फिर हमारा जो ऑयल है वो लिक्विड स्टेट में, इसलिए वो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का अच्छा एग्जांपल है। हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट इन्वॉल्व्स सरफेस ऑफ मेटल एंड ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। कहता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट मे बी रफेंड और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। अगर तुम इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो उसके सरफेस को तुम रफ कर दो, रफ कर देने से उसमें ट्रफ और क्रेस्ट गड्ढे और छोटे छोटे ऊंची चीजें बन जाती है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, या नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में यूज करने से वो जो हमारा होता है वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि एक चौक है और उस चौक का सरफेस एरिया वही होता है जो हमको चारों तरफ से दिखता है। चौक को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो जो नए नए सरफेस बनते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। अगर और तोड़ देंगे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, और अगर पाउडर फॉर्मिंग कर देंगे तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब कहता है कि लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रो कैटलिस्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अल्कलाइन सॉल्यूशंस ऑन पेरोवस्काइट्स। तो इसको कैटलिस्ट के रूप में कैसे यूज किया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, उसको हम लोग देखते हैं। पेरोवस्काइट्स क्या चीज होते हैं? पेरोवस्काइट्स मिनरल्स, खनिज पदार्थ हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RTO3, जहां पर R रेयर अर्थ एलिमेंट है और T क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कहता है कि फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज नॉट क्लियर दैट हाउ द OH- माइनस आयंस इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन वुड बी एबल टू गेट डिस्चार्ज ऑन एन ऑक्साइड सरफेस। फॉर्मूला से क्लियर नहीं होता है कि हाइड्रोक्सिल आयन कैसे करके डिस्चार्ज होगा, लेकिन हाउएवर इट हैज बीन शोन दैट द ट्रांजिशन मेटल आयन, देखो यहाँ पर जो पेरोवस्काइट है उसमें ट्रांजिशन मेटल आयन भी है, और ट्रांजिशन मेटल आयन की दो विशेषताएं होती हैं, विथ इट्स मल्टीपल वैलेंसीज, उसकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है तुम जानते हो, जैसे मान लो कि फिर आयरन है तो फेरस होगा, फेरिक होगा, प्लस टू होगा, प्लस थ्री होगा, उसी तरह से सब लगभग सभी ट्रांजिशन मेटल में मल्टीपल वैलेंसी होती है। और दूसरी विशेषता क्या होती है, एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पावर,
बॉन्ड बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए दस OH माइनस आयन डिस्चार्जेज ऑन द ट्रांजिशन मेटल आयन ऑफ द पेरोव्स्काइट्स एंड नॉट ऑन द ऑक्सीजन। इसलिए जो हमारा मिनरल है पेरोव्स्काइट्स, उसमें जो ट्रांजिशन मेटल है उस पर वो उसके सरफेस पर वो डिस्चार्ज होता है, OH माइनस आयन डिस्चार्ज होता है। मैकेनिज्म कैसा दिया है? तीन स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? एडजॉर्प्शन ऑफ OH माइनस आयन टू द मेटल आयन ऑफ पेरोव्स्काइट्स। जो हमारा मिनरल है उसमें जो मेटल आयन है वो OH माइनस आयन को एड्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मान लो कि M मतलब मेटल हो गया और Z उस पर जो वैलेंसी रहती है वो है, और ये OH माइनस आयन को एड्जॉर्ब कर लिया तो उसको लिख दिया है MZOH, और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है? डिजॉर्प्शन ऑफ OH फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो ये बना उसमें से अब OH को बाहर निकलना है, डिजॉर्प्शन होना है, उसको कौन करेगा? तो OH माइनस आयन जो है वो इससे ऐड कर जाता है और ये एडजॉर्ब्ड है। ये DS मतलब क्या होता है? एडजॉर्ब। तो OH OH मिल करके H2O2 बना देगा और ये जो रिएक्शन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तुम जानते हो कोई रिएक्शन अगर कई पदों में होता है तो वह स्टेप जिसका वेलोसिटी जिसका रेट सबसे कम होता है उसको वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये तीन स्टेप में हो रहा है, तीनों स्टेप में सबसे जो लोएस्ट रेट होगा वो सेकंड स्टेप का होगा, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या कहता है? इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? ये जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो OH माइनस के साथ में रिएक्शन करेगा और ये HO2 माइनस, और यहाँ देखो PHYADS लिखा है, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन। तुम जानते हो दो प्रकार का एडजॉर्प्शन होता है, अधिशोषण पढ़े होगे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर ये फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है और वाटर करना, और फिर HO2 के साथ में ये जो फिजिकली रिएक्शन करता है और वाटर बनता है, OH माइनस आयन बनता है, ऑक्सीजन बनता है। फिर कहता है कि प्योर पेरोव्स्काइट्स आर नॉन कंडक्टर्स एंड बिफोर दे कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स, ये लोग नॉन कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रोड को यूज करने के पहले कहता है इट इज नेसेसरी टू ऐड टू देम अदर सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज देयर कंडक्टेंस। उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ और चीजों को मिलाते हैं। कहता है कि बेरियम ऑक्साइड इज वन सच सब्सटेंस जिसको मिला देने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये था कि वाटर इलेक्ट्रोलिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोकैटलिस्ट किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। एक दूसरा इसी में है टॉपिक वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या है? वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का अगर फोटो तुम देखोगे तो वो तो पहाड़ ही है ना, वो इस टाइप से है। जैसे मान लो ये पहाड़ है और यहीं से ज्वालामुखी ऊपर से चोटी से फूटता है और लावा नीचे गिरता है, कि जो डिजाइन है इस प्रकार से इसको वोल्केनो कहते हैं। पर यहाँ पर वोल्केनो का क्या मतलब है? कहता है इट इज फाउंड दैट फॉर ए गिवन रिएक्शन, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कैटलिस्ट को यूज करेंगे तो हर कैटलिस्ट पर रेट अलग अलग होगा। द रेट्स ऑन ईच कैटलिस्ट पास थ्रू अ मैक्सिमम, वो एक मैक्सिमम से क्रॉस करेगा। इन अ वोल्केनो द रेट ऑन ए कैटलिस्ट एज ए फंक्शन ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द कैटलिस्ट इज प्लॉटेड। एक हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, जैसे हीट ऑफ सब्लिमेशन और बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन सब के अगेंस्ट हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो इस प्रकार का एक ग्राफ मिलता है जिसको वोल्केनो कहते हैं। तो उसको कैसे करके हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो कहता है लेट अस कंसीडर अ सीरीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड सर्फेसेस ऑन ईच ऑफ व्हिच द सेम रिएक्शन अकर्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोड सर्फेस लिए, एक ही रिएक्शन को हर जगह कराए और फिर एक ग्राफ को प्लॉट किए, वो ग्राफ कैसा दिखेगा? वो ग्राफ दिखेगा ऐसा। अब तुम इसको देखो कि इसमें क्या किया गया है कि किसी एक रिएक्शन के लिए
डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज किया गया, जैसे ये थैलियम है, कैडमियम है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ऐसे ही है, रोडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल, आयरन, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम। और तुम देखो कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ वर्सेस एक्सचेंज करंट डेंसिटी के लिए किया गया है, तो ग्राफ का जो नेचर है वो कैसा है, ये इस प्रकार का है और ये वोल्केनो को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला वोल्केनो कैसे मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, उसके लिए कह रहा है कि लेट थीटा, मान लिया कि थीटा जो है वो कवरेज साइट को बताता है, यानी इलेक्ट्रोड का वो हिस्सा जहां पर एडजॉर्प्शन हुआ है, तो जितना हिस्सा में एडजॉर्प्शन हुआ है उसको हम लोग थीटा बोलेंगे, और जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस होगा 1 माइनस थीटा। मान लिया कि पूरा सरफेस को, टोटल सरफेस को हम 1 से निरूपित करते हैं, और थीटा वो हिस्सा है जो कि ऑक्यूपाई हो गया, तो 1 माइनस थीटा क्या होगा, फ्री सरफेस। अब कहता है कि द रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू बोथ थीटा एंड 1 माइनस थीटा, दोनों पर डिपेंड करता है, उसमें फ्री सरफेस कितने हैं और एब्जॉर्ब सरफेस कितने हैं। Therefore, rate is directly proportional to theta into 1 minus theta. अब अगर हम लोग इसको differentiate कर देंगे, तो d rate upon d theta बराबर 0 हो जाएगा, और maximum के लिए, तो उस समय theta का value कितना होता है, 1 by 2. अब ये 1 by 2 आने का क्या मतलब, उसका conclusion क्या है? The conclusion is that as the absorption increases, theta will also increase. जैसे-जैसे अधिशोषण बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ते जाएगा, क्योंकि तो अधिशोषित एरिया को बताता है। After some time, theta will be so large that more than half of the electrode surface will be covered. उस समय के बाद कहता है कि थीटा का मान इतना ज्यादा हो जाएगा कि आधा से अधिक सरफेस कवर्ड हो जाएगा। The reaction rate will then begin to decrease. तब जाकर रिएक्शन रेट क्या होगा, घटने लगेगा। जब टोटल सरफेस खाली था तो रिएक्शन रेट बढ़ता गया, आधा पर मैक्सिमम हो गया, और आधा के बाद क्या होगा, वो घटता जाएगा। इसी चीज को हमने पिछले स्लाइड में देखा कि थीटा का मान हाफ होगा मैक्सिमम पर। फाइनली व्हेन थीटा टेंड्स टू 1, मतलब जब थीटा 1 को अप्रोच करता है, मतलब 100% अप्रोच करने लगता है, नियरली ऑल ऑफ द सरफेस विल बी कवर्ड विद द एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। 1 की तरफ जाने का मतलब है कि पूरा सरफेस भर गया एडजॉर्प्शन से। इसका क्या मतलब है, क्वालिटेटिवली एज द बॉन्डिंग पावर ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज, जैसे जैसे कैटलिस्ट का बॉन्डिंग पावर बढ़ता है, द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज, पास थ्रू या मैक्सिमम, एक मैक्सिमम से पास करेगा और क्या होगा, देन डिक्रीज। दिस अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनोज इन इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब की व्याख्या करता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में वोल्केनो कैसे बनता है। ये वोल्केनो का डायग्राम है जिसको हम लोग देख चुके हैं, और ये कुछ रेफरेंस तुम्हारे फर्दर स्टडी के लिए है, तो इन रेफरेंस को देख लेना और आगे भी मटेरियल तुमको इसमें मिल जाएगा, और इसकी तैयारी कर लेना। थैंक यू।